खम्मागणी दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन उदयपुर सिटी में। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। सत्ता पोल क्रॉस कर अभी हम लोग हैं बाईची की पुलिया पर। कल मैं आपको ज़्यादा स्पॉट्स घुमा नहीं पाया था, आपने देखा था करणी माता के टेंपल पे अराउंड 4 से 4.5 घंटा लग गया था। बाकी का उदयपुर मैं आज घुमाऊंगा। दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप होटल बुक करना चाहते हैं, आप लोग गंगोर घाट के साइड बुक करें, काफ़ी अच्छे होटल हैं और 1000 से 1500 के रेंज में आपको मिल जाएगा। पास में बहुत सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ रात को गाना बजाना भी चलता है, आप वहाँ अगर डिनर करेंगे तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। बाकी घूमने के लिए आप उदयपुर सिटी में ऑटो बुक कर सकते हैं, ऑटो वाला आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा उदयपुर सिटी घुमा देता है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चलते हैं सिटी पैलेस। दोस्तों मैं चला आया हूँ सिटी पैलेस के गेट पे। यहाँ पर एंट्री टिकट है 300 रुपीज़। आप गाइडेड टूर भी कर सकते हैं जिसका मिनिमम प्राइस है 500 रुपीज़ फॉर 5 पर्सन। चलिए अंदर चलते हैं और सिटी पैलेस को घूमते हैं। ये है भैरव स्थान। यहीं पर राणा उदय सिंह ने एक खरगोश का शिकार किया था। फिर एक महात्मा जो तप कर रहे थे, उनके आदेश अनुसार यहीं पर महल बनवाना शुरू किया। दोस्तों हम लोग सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर चुके हैं। सामने देखिए खूबसूरत सा सिटी पैलेस। ये वही स्पॉट है जहां पर मूवी ये जवानी है दीवानी का कुछ पार्ट शूट हुआ था। दोस्तों आप देख सकते हैं खूबसूरत सा सिटी पैलेस। मेन एंट्री टूरिस्टों के लिए वहां से है और एग्जिट इधर से है। इस सामने वाले जगह को मानेक चौक कहते हैं। कुछ सोविनियर्स के शॉप उस साइड है और कुछ सोविनियर के शॉप उस साइड है। चलिए एंट्री करते हैं और म्यूजियम को घूमते हैं। दोस्तों सामने वाले गेट को कहते हैं तोरण पोल। इसी गेट से अभी हम लोग एंट्री करेंगे। काफ़ी खूबसूरत सा है, गेट के एंट्री पर ही ओम का शाइन है। चलिए अंदर चलते हैं। इस जगह पे टिकट चेक करवा हम मर्दाना महल में एंट्री करेंगे। सामने आप गणेश जी की मूर्ति देख पा रहे हैं जो कि अराउंड 400 साल पुराना है। हम ऊपर आ गए हैं और आप महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा फतेह सिंह जी की प्रतिमा देख सकते हैं। और ये रहा ऊपर का पूरा दृश्य। अभी मैं महाराणा प्रताप के कक्ष में आ गया हूं। सामने आप उनकी ढाल देख सकते हैं। ये है उनकी प्रतिमा और तलवार। ये है उस समय की आदिवासियों की तीर कमान। सामने आप हल्दी घाटी युद्ध का एक फोटो देख रहे हैं और यहां दिखाया जा रहा है कि चेतक कैसे जख्मी होने के बाद महाराणा प्रताप को 22 फीट चौड़ी नदी को पार कर ले जा रहा है। ये है लखू गोखड़ा जहां राजा बैठा करते थे। ये है लखू कुंड जो एक सिंगल मार्बल का बना हुआ है। यहाँ 1,00,000 सिक्के डाले जाने के बाद ये भर जाया करता था, जिसका 25% आम जनता पर और 75% धार्मिक कार्यों के लिए यूज किया जाता था। यहाँ महाराणा फतेह सिंह को बाढ़ के समय नदी क्रॉस करते दर्शाया गया है। ये है बाड़ी महल, काफी खूबसूरत जगह है। उस जमाने में होली यहीं खेली जाती थी।
ये है डाक कबूतरों का पिंजरा। बारी महल में होली खेलने के बाद राजा इसी स्थान में नहाया करते थे। December 1911 में किंग जॉर्ज V ने दिल्ली में एक दरबार आयोजित की थी और इंडिया के सारे राजा को बुलाया था। सबके लिए उनके पद अनुसार चेयर भी भेजा था। महाराणा फतेह सिंह जी ने इस दरबार में जाने से मना कर दिया था। अभी आपने शीश महल देखा। राजा और रानी ठंड के मौसम में वहीं रहा करते थे। ये है उदयपुर का सबसे पुराना लाइब्रेरी। ये है मोती महल। यहां पर रानी बैठकर प्रोग्राम देखा करती थी। यहां पर हाथी दांत से बने हुए कुछ दरवाजे हैं। यहां पर रानी झूले पे झूला करती थी। ये महाराजा भीम सिंह जी का स्मोकिंग प्लेस है। सामने उनकी तस्वीर भी लगी है। ये है राजा भोपाल सिंह जी का टॉयलेट एरिया। सामने महाराजा भोपाल सिंह जी का एक फोटो है और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले फर्नीचर भी। जब सूरज नहीं दिखता था तब राजा इसके ही पूजा अर्चना कर भोजन किया करते थे। अभी हम मोर चौक में आ गए हैं। काफी खूबसूरत सी जगह है। सामने है मानिक महल। राजा सूर्य दर्शन के बाद यही भोजन किया करते थे। अब हम चलते हैं रानी महल के तरफ। सामने आप उस जमाने के बर्तन देख सकते हैं। ये है राजमाता का निवास। राजा भोपाल सिंह जी की वो तीसरी पत्नी थी। इसे ब्रज विलास भी कहते हैं। ये है गोपाल निवास। राजा रानी से कोई भी मिलने आता था तो वो यही मिलता था। अभी हम मूर्तियों के प्रदर्शनी में आ गए हैं। विभिन्न प्रकार के भगवान की मूर्तियां हैं यहाँ। अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गैलरी में आ गए हैं। यहाँ उस जमाने में यूज किए जाने वाले वीणा, सितार, तबला आदि का एग्जीबिशन लगा हुआ है।
ये है खूबसूरत सा आर्ट गैलरी। यहाँ उस जमाने में यूज किए जाने वाले पोशाक की प्रदर्शनी लगाई हुई है। अभी हम हैं लक्ष्मी द्वार में। अभी हम चले आए हैं सिल्वर गैलरी के अंदर। सामने हवन स्थल है जो कि कांच से कवर्ड है। ये एक सिल्वर चेयर है। यहाँ आप उस जमाने में यूज किए जाने वाले सिल्वर के चीज देख पाएंगे। ये सामने चेतक का स्टैचू है। दोस्तों फाइनली 1.5 घंटे के सिटी पैलेस को घूमने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं। काफ़ी डिटेल में हमने घुमा और आपको सारे डिटेल्स दिया। देखते हैं इस एरिया में और कुछ घूमने का है कि नहीं, फिर वरना हम लोग बोट राइड के लिए जाएंगे। दोस्तों आप अगर यहाँ पर आकर 30 रुपीज़ का टिकट लेते हैं तो इस गेट से जाकर आप कुछ होटल्स का, कुछ गार्डन का व्यू ले सकते हैं। हम लोग अराउंड 12:40 हो गया, इधर नहीं जा रहे हैं, बढ़ते हैं बोट राइड की तरफ और आपको भी घुमाते हैं। पिचोला लेक हो या फतेह सागर लेक हो, जिसमें भी बोट राइड करेंगे आपको दिखाएंगे। हम सिटी पैलेस से महाराणा प्रताप स्मारक चले आए हैं। यह सुबह 7:30 से शाम 7:30 तक खुला रहता है। इसका एंट्री टिकट का कॉस्ट है 100 रुपया। चलिए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों मोती मगरी घूमने के लिए बहुत सारे लोग ऑटो, अपना पर्सनल कार लेके भी चलते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। दोस्तों सीढ़ियों से 2 मिनट ऊपर ही आए थे कि आ चुका है चेतक वाटिका। चलिए ऊपर चलते हैं और इस जगह को देखते हैं। दोस्तों अभी मैं चेतक वाटिका में आ चुका हूँ। नीचे से ही आप ऊपर अगर देखिएगा तो वीर महाराणा प्रताप का स्टैचू आप देख सकते हैं। चलिए इन सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चलते हैं और उस स्टैचू के पास पहुंचते हैं। दोस्तों नीचे से 5 मिनट चलकर ही हम लोग ऊपर आ चुके हैं और आ चुके हैं महाराणा प्रताप स्मारक के सामने। ये मोती मगरी नामक पहाड़ के ऊपर है। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसी के बेस पे महाराणा भगवत सिंह ने इस स्मारक को बनवाया था। अब स्मारक पर हल्दी घाटी का युद्ध, चेतक का आखिरी समय, सब कुछ दर्शाया गया है। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वैभवशाली स्मारक है। वीर महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ हल्का फुल्का या कहूँ जानकारी दिया हुआ है। चलिए पास चलते हैं और स्मारक को सामने से देखते हैं।
महाराणा प्रताप स्मारक के पास में ही है हकीम खान सूर की प्रतिमा, जिनका बलिदान हल्दीघाटी युद्ध में पूरे मेवाड़ को हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, स्मारक के राइट हैंड साइड से जब सीढ़ियों से आप नीचे आएगा तो ये खूबसूरत सा व्यू पॉइंट आपको देखने मिलेगा। सामने ये बड़ा सा फतेह सागर लेक, पीछे अड़ावली के पहाड़ और नीचे वो रास्ता जहाँ हम थे अभी कुछ देर पहले। जितना भी समय बिता लें यहाँ पर आपको कमी लगेगा। ये खूबसूरती, व्हाट अ ब्यूटी। दोस्तों, इसी जगह पर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, जो मैंने नीचे आपको बताया था, जिसका टिकट 175 रुपीस पर पर्सन है। और इधर है मोती महल और सामने मंदिर है, आप चाहें तो वहां पर भी जाकर घूम सकते हैं। दोस्तों, स्मारक देख के नीचे लौट रहे थे, बच गया है दोपहर के 2 और इस जगह पर आकर सरदार जी का ढाबा पे हमने लंच करने का फैसला किया है। चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ खाने में क्या मिलता है। तनिमा ने अभी यहाँ पर लस्सी लिया, तनिमा से पूछते हैं लस्सी कैसा था। लस्सी तो बहुत टेस्टी था और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये ढाबे टाइप के जगह पे आप लस्सी जरूर ट्राई कीजिएगा। मटका लस्सी बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी है, इसमें एक्चुअली रबड़ी डली हुई है। और खाने में आपने क्या ऑर्डर किया? मैंने अभी पंजाबी थाली ऑर्डर की है, देखते हैं क्या क्या आता है और कैसा टेस्ट है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पंजाबी थाली हमारे सामने है, जीरा राइस है, दाल है, राजमा की सब्जी है, मटर पनीर है, मिक्स वेज है, एक मीठा है, दही है, 4 रोटी है। चलिए इसे खाते हैं और फिर आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों, खाना काफ़ी टेस्टी था। आप जब भी इधर स्मारक देखने हैं, आप लंच करने का टाइम हो, आप यहाँ लंच ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल ऑफ हीरोज म्यूजियम में, चलिए चलते हैं और देखते हैं इस म्यूजियम को। दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं स्वाधीनता और स्वाभिमान के रक्षक महाराणा प्रताप के छत्र तले वीर योद्धा झालामान, राणा पुंजा, भामा शाह एवं स्वप्रतीत होकर आए हकीम खान सूर जैसे वतन प्रेमियों के साथ हल्दीघाटी समर स्थली की ओर प्रस्थान करते हुए। इसके मूर्तिकार हैं श्री फकीर चरण पडीडा हरिद्वार। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी भव्यशाली ये प्रतिमा है महाराणा प्रताप की। आप जब भी इधर आइएगा इसे मिस नहीं कर सकते हैं। ये म्यूजियम के जस्ट उल्टे साइड में है। चलिए अब हम लोग म्यूजियम चलते हैं। हम जिस हॉल में आ गए हैं वो है ग्लोरियस मेवाड़, अ पिक्टोरियल जर्नी। यहाँ पिक्चर द्वारा पूरे मेवाड़ की गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। सामने आप कुंभलगढ़ फोर्ट का एक मॉडल देख पा रहे हैं। सामने महाराणा प्रताप द्वारा यूज किए जाने वाले अस्त्र और उसका वजन को दिखाया गया है। सामने है हल्दीघाटी युद्ध का एक मॉडल। ये रहा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का एक रेप्लिका। ये रहा सिटी पैलेस का एक मॉडल।
दोस्तों इस महाराणा प्रताप स्मारक के एरिया में दानवीर भामाशाह का भी स्मारक है। चलिए चलते हैं और इस स्मारक को सामने से देखते हैं। दोस्तों फाइनली ये महाराणा प्रताप स्मारक घूमना हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि पहले एक्वेरियम जाते हैं कि बोटिंग करते हैं। जैसा भी होगा आप भी देखिएगा, हम भी करेंगे। दोस्तों एक्वेरियम जाने से पहले ही हम लोग बोटिंग करने चले हैं। रास्ते में बोटिंग का जगह था बाबा रामदेव बोटिंग पॉइंट, यहाँ से हमने 236 रुपीस का पर पर्सन का टिकट ले लिया है। चलिए चलते हैं और बोटिंग करते हैं। दोस्तों बोट पे मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया है। किसी भी लेक पे रहो या किसी भी नदी पे रहो, बोटिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और उदयपुर जो सिटी ऑफ लेक्स है वहाँ पर अगर आकर बोटिंग नहीं किया तो आपका घूमना हाफ ही रहेगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी आ गया हूँ फतेह सागर लेक पे बोटिंग करने के लिए। चलते हैं, इस बोटिंग का आपको एक्सपीरियंस भी दिखाते हैं। दोस्तों इस फतेह सागर लेक में नौका विहार करना एक अपना अद्भुत अनुभव है। जो भी उदयपुर आए जरूर से फतेह सागर लेक में नौका विहार करें। 236 रुपीस पर पर्सन, लेकिन इतने बड़े लेक में नौका विहार एक अद्भुत अनुभव। दोस्तों फतेह सागर लेक में बोटिंग करना, नौका विहार करना काफ़ी अच्छा था। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं एक्वेरियम की तरफ, उसके बाद सज्जनगढ़ जाने का प्लान है। देखते हैं कैसे आगे हम लोग प्लान आउट करते हैं टोटल। दोस्तों हम लोग बोटिंग कर आ चुके हैं एक्वेरियम के पास। कहा जाता है कि ये बिगेस्ट एक्वेरियम है अंडर द सन। चलिए चलते हैं और टिकट लेकर एक्वेरियम को घूमते हैं। दोस्तों इस एक्वेरियम का एंट्री टिकट है 150 रुपीज़ पर पर्सन और ये सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। इस एक्वेरियम का इंटीरियर काफी खूबसूरत है, बच्चों के लिए काफी अच्छी जगह है ये। दोस्तों आप खुद से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं और आपको उस जगह की टोटल इटिनरी चाहिए, क्या क्या है घूमने को, कितने बजे से कितने बजे तक क्या खुला रहता है और उस जगह की रेटिंग वगैरह, तो आप triptel.in वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको टोटल इटिनरी मिल जाएगी। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। यहां आप छोटे बड़े सभी प्रकार के मछली देख पाएंगे और उन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
कुछ सोवीनियर्स के शॉप भी यहाँ पर है। दोस्तों, एक्वेरियम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आप जब उदयपुर आएँ, एक्वेरियम में ज़रूर से रहें, जहाँ आपको बहुत सारे मछली देखने मिलेंगे जो नॉर्मली रिवर्स में रहते हैं, ज़्यादातर अंडर सी रहते हैं। अच्छी जगह है, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी नॉलेजेबल जगह है। चलिए बढ़ते हैं, बज रहा है शाम के 4 और सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए बढ़ते हैं, शायद सनसेट आज वहीं पर देखेंगे। दोस्तों, एक्वेरियम से चलकर हम लोग चले आए हैं मानसून पैलेस सज्जनगढ़। सामने आप गेट देख सकते हैं, यहीं पर सामने जाकर हम लोग टिकट लेंगे। हमारा ऑटो ऑटो स्टैंड में खड़ा है, यहाँ से अलग से एक गाड़ी रहेगा जो हमें मानसून पैलेस तक ले जाएगा। चलिए, शाम का वक्त है, शायद सनसेट यहीं देखने का मौका मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत लगता है सनसेट यहाँ से। चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सज्जनगढ़ का एंट्री टिकट हमने ले लिया है, 105 रुपये पर पर्सन है, और फोर व्हीलर हमारे पास नहीं है, सो पर पर्सन टिकट लगा है 106 रुपये। बोल रहे हैं अभी एक घंटा वेटिंग है, शायद सनसेट के समय ही हमें मानसून पैलेस देखने मिलेगा और शायद वो बेस्ट टाइम है। चलिए वेट करते हैं और कुछ देर बाद आपसे वापस ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, फाइनली एक घंटे के वेट के बाद मैं पहुंच चुका हूं सज्जनगढ़ फोर्ट। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 में बनाया था। वो अपने पूर्वज के घर चित्तौड़गढ़ को देखना चाहते थे, इसलिए इस ऊंचाई पे बनाया। इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं क्योंकि मानसून के समय यहां बादल बहुत नीचे लेवल तक दिखाई देता है। बाकी आप उदयपुर सिटी और फतेह सागर लेक, पिचोला लेक और भी बहुत सारे लेक, यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू मिलता है। आप देखिए, चारों तरफ सिटी व्यू है, उदयपुर सिटी का लेक व्यू है और भी सनसेट का टाइम है। चलिए ऊपर चलते हैं और सनसेट को देखते हैं। हॉल के अंदर एंट्री करते ही आप महाराणा सज्जन सिंह की स्टैचू देख पाएंगे। संग में ही आपको बहुत सारे पोर्ट्रेट्स दिखेंगे जो यहाँ की हिस्ट्री और बायोडायवर्सिटी की जानकारी देती है। और यहाँ से सनसेट देखने का अद्भुत अनुभव लेने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आ चुके हैं। सज्जनगढ़ पैलेस घूमने का इससे सही समय नहीं हो सकता था। सनसेट का समय है, आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, काफी खूबसूरत व्यू है। चलिए उस व्यू को आप भी देखिए और हम भी एंजॉय करते हैं। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाने वाले कुछ जानवर आप देख सकते हैं। चलिए अब सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं। यहां पर भी कुछ टूरिस्ट झरोके के सामने पिक्स ले रहे हैं।
इस हॉल में राजस्थान के ट्राइब्स कैसे रहते हैं उसका मॉडल बना हुआ है और साथ ही में जानकारी भी दी जा रही है। दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह इस फोर्ट को 5-स्टोरी एस्ट्रोनॉमिकल बिल्डिंग बनाना चाहते थे, लेकिन 1884 के बाद उनकी मृत्यु हो गई, सो उनका सपना अधूरा रहा। बाकी ये जगह गवर्नमेंट के अंदर था, कुछ समय पहले ही नहीं इसे टूरिस्टों के लिए खोला गया। हम लोग तो बहुत ही अच्छे समय में आए थे, सनसेट का समय था। अभी वैसे सनसेट हो चुका है, धीरे धीरे टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से सिल्कग्राम जाएंगे, जो लोकल क्राफ्टमैन हैं उनका मेला लगा हुआ है, उसी जगह पे जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे वहीं पर। टिल देन एंजॉय दिस सनसेट व्यू ऑफ द अरावली हिल्स। वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित सिल्कग्राम उत्सव 21 से 30 दिसंबर तक यहीं पर आयोजित होती है उदयपुर में। चलिए अंदर चलते हैं और इस उत्सव को एंजॉय करते हैं। सिल्कग्राम उत्सव का टिकट है 55 रुपये, जो हमने कटा लिया है और हम लोग अंदर चले आए हैं। चलिए इसे आपको घुमाते हैं। आपको यहाँ पर राजस्थान की कुछ स्वादिष्ट व्यंजन चखने का मौका मिलेगा। आप अपने लिए कुछ कपड़े, घर की कुछ आवश्यक वस्तुएं और कुछ सोविनियर्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने सिल्कग्राम मेले के कुछ झलकियाँ देखी। हम लोग मेले से चले आए हैं अपने होटल वापस डिनर करने के लिए। उदयपुर का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको लास्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैंने भी कोशिश की है ज़्यादातर जगह को कवर करने के लिए, फिर भी बाहुबली हिल्स छूट गया। वैसे प्लान था इस बार हल्दीघाटी और कुंभलगढ़ को भी कवर कर पाऊँ, लेकिन हो ना सका। नेक्स्ट टाइम जरूर से कवर करेंगे जब भी आएंगे। यहाँ से हम लोग निकल जा रहे हैं जयपुर के लिए। अगला ब्लॉग वही होगा। अगर आपको लास्ट 2 एपिसोड और ये राजस्थान सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके मैसेजेस का भी वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जयपुर में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।